विश्वकर्मा जिंदाबाद, जय काम सनातन भारत जिंदाबाद, जय तोरो वीर बजरंगे हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। आज एकम सनातन भारत की पूरी टीम कटरा की तरफ कूच कर रही है। आप जानते हैं कि जिस तरह हमने घर घर अभियान चलाया था कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, हमने उस वक्त सरकार को बताया था कि आपने अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो इस अभियान को हम आंदोलन के रूप में बदल सकते हैं। आज वो घड़ी आ गई है और आज उस अभियान को आंदोलन के रूप में तब्दील कर चुके हैं, जिसको एकम सनातन भारत लीड कर रही है। और आज कटरा में हमारा आंदोलन, मंदिर मुक्ति आंदोलन शुरू होने जा रहा है। सर्वप्रथम सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि मंदिर मठों को सरकार ने डेलिबरेटली अपने कंट्रोल में किया है। सरकार ने सिर्फ मंदिर को कंट्रोल किया है, ना मस्जिदों को, ना चर्चों को और ना ही गुरुद्वारों को। सरकार एक तरफ कहती है कि हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान उच्च है, मगर सरकार उस संविधान में आर्टिकल 26 का उस संविधान की वायलेशन करती है, जहां पर लिखा हुआ है कि सरकार किसी भी धार्मिक स्थल पर कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जो देश है ये मंदिरों पर चल रहा है। आज हमारे मंदिरों में ये पहले इतना पैसा है कि पूरे पूरे देश को हम चला सकते हैं। और सरकार की यही नीति कि हमने देश को मंदिरों के पैसों से चलाना है और दूसरे धर्मों को भी मंदिरों के पैसों से पालना है, मगर सरकार इस पर जरा भी नहीं गौर करती कि आज हमारे सनातनियों की क्या हालत है। आज हमारा सनातनी उसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है और हमारा सनातनी इतना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मगर उन मंदिरों के धन का पैसा, उन मंदिरों की चड़तल जो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, और उस 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो चड़तल है वो हमारे लिए किसी भी रूप से हमें लाभ उसका नहीं मिल रहा है। अगर आप श्राइन बोर्ड की बात कर ले तो नारायणा में जो अस्पताल जो श्राइन बोर्ड से बना है, सनातनियों के पैसों से बना है, उस पर आज हमारे लोगों को कोई भी कंसेशन नहीं है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको वहां पर इलाज मुफ्त, छोड़िए कोई कंसेशन नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी में, माता यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को जो सक्षम है पढ़ने में, उनको किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं है, उन्हें कोई भी कंसेशन नहीं है। तो बताइए, ये तो वो हिसाब हो गया कि हमारे घर का पैसा पड़ोसियों पर लगाया जा रहा है। हमारे घर का पैसा पड़ोसियों के घरों को रेनोवेट करने में, उनके बच्चों को IAS की कोचिंग देने में, उनके बच्चों को माइनॉरिटी के नाम पे स्कीमें देने पे लगाया जा रहा है, मगर हमारा पैसा हमें नहीं लगाया जा रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इस देश की विडंबना यही है। आज अगर ये देश कहीं ना कहीं आज दुर्गति की तरफ जा रहा है, आज पतन की तरफ जा रहा है, उसका बहुत सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सनातनियों को इग्नोर कर रहे हैं, आप सनातन परंपरा को इग्नोर कर रहे हैं, सनातन परंपरा का आप अपमान कर रहे हैं। उसी अपमान के चलते हुए आज आप हमारे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गद्दी है। आज हमारे सनातनियों की शंकराचार्य, उन शंकराचार्यों का जब आप बॉयकॉट करेंगे, इग्नोर करेंगे, चारों शंकराचार्यों को जब आप उनकी नहीं सुनेंगे और अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, तभी देश ये विफलता की तरफ जाएगा। और आने वाले समय में जिस तरह शंकराचार्य ने यह चुनौती उन्होंने ऐलान किया है कि अगर ये चीजें होती रही तो देश कहीं ना कहीं पतन की तरफ जाएगा, और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट होगी जो आज हम लोगों को इस पतन की तरफ लेके जा रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे मंदिरों को हमारे नियंत्रण में दिए जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम उन पैसों का इस्तेमाल अपने बच्चों पर करें, हमारा अधिकार है कि उन पैसों का इस्तेमाल हम गौशाला पर करें, हमारा अधिकार है कि जो हमारी गौ माताएं जिनको पकड़ा जाता है उनको कोई भी जगह नहीं मिलती है, उन पैसों से हम गौशाला बनाकर उन गौ माता का सम्मान करें, इन पैसों से हम अपने गुरुकुल बनाए, इन पैसों से अपने वैदिक स्कूल बनाए, इन पैसों से सनातनियों का उत्थान हो, ना कि सनातनियों का पतन हो जो आज किया जा रहा है। तो हमारा साफ तौर पर कहना है कि सरकारें हमारी डिमांड को सुने, सरकारें हमारी मांगों पर खरे उतरे, अन्यथा इस आंदोलन को हम इतने बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे जो पूरे देश में चलेगा, और फिर सरकार को घुटनों के बल आना ही पड़ेगा। और ये हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को हम लेकर रहेंगे। एकम सनातन भारत अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में हम इस अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाकर रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। अंकुर जी, आप
हम आपके साथ हैं।